हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका निवेशित जज के साथ। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसके बारे में बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे, पर जो लोग जानते हैं वो आज भी उसमें रिस्क नहीं लेना चाहते, और वो है क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड। चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ। 2015 में मेरा एक दोस्त था जो कि बिटकॉइन में या फिर क्रिप्टो करेंसी में कह लीजिए ट्रेडिंग करता था, इन्वेस्टमेंट करता था। उसने मुझे बताया था, पर उस वक्त शायद मैं इंटरेस्ट नहीं दिखाया, या फिर कह लीजिए कि मैं उतना रिस्क लेने के लिए कैपेबल नहीं था, या फिर मैंने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन आज 2021 में आपको पता ही है कि बिटकॉइन, अल्ट कॉइन, क्रिप्टो करेंसी कितनी कॉमन चीज़ें हो गई, और जब चीज़ें कॉमन हो जाती है तो उसके बारे में इंटरेस्ट आने लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये एक वीडियो बना लिया जाए कि जिससे आप लोगों को समझे कि आखिर में क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। क्रिप्टो करेंसी मोस्टली सिक्योर चार चीज़ों से होती है। सबसे पहले हम देखे जाए तो ब्लॉकचेन, दूसरा माइनर, तीसरा माइनिंग, और चौथा जो है वो है डिसेंट्रलाइजेशन या फिर P2P ट्रांजेक्शन, मतलब पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन। अब ये सब चीज़ें होते क्या है हम देखेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले और एक स्टोरी बताता हूँ कि समझो दो दोस्त हैं, एक का नाम है जयेश और दूसरे का नाम है नीलेश। नीलेश ने जयेश के लिए कुछ काम किया और जयेश ने बदले में पैसे की जगह नीलेश से कहा कि मैं तुझे एक बिस्किट देता हूँ, और वो जो बिस्किट है वो मैं तुझे डिजिटल फॉर्म में देता हूँ, मतलब ऑनलाइन बिस्किट देता हूँ। तो नीलेश ने कहा ठीक है। अब ये जो डिजिटल फॉर्म का बिस्किट है, इसे अब कोई भी कितने चाहिए उतने कॉपीज बना सकता है, या फिर जीमेल में अटैच करके किसी को भी भेज सकता है। आखिर मैंने वो बिस्किट को एक करेंसी के तौर पे ही उसे दिया था, सही बात है। तो अब ये चीज़ें ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कोई तो ऐसा रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि जयेश के पास इतने डिजिटल बिस्किट्स थे, उसमें से उसने नीलेश को इतने दिए। और अब ये बात है कि ये लिखेगा कौन या फिर ये देखेगा कौन, तो उसे हम कहते हैं लेंजर्स। अब अगर लेंजर्स ने ये बात किसी एक कंप्यूटर में फीड भी कर दी कि मेरे पास इतने हैं और मैंने किसी को इतने दिए और उसके पास अब उतने हो गए, तो वो उसमें फ्रॉड कर सकता है। अगर मैंने एक दिए तो वो 10 बता सकता है या फिर 0 बता सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अगर एक कंप्यूटर में ये डाटा हो तो उसमें फ्रॉड हो सकता है, पर दुनिया के सभी कंप्यूटर्स में, सभी सिस्टम्स में, या कहे सभी सर्वर्स में अगर ये डाटा हो कि मेरे पास 10 डिजिटल बिस्किट से उसमें से मैंने एक नीलेश को दिया है, तो उसमें कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। और अगर गलती से कोई फ्रॉड करे भी, कोई एक इंडिविजुअल, तो पकड़ा जा सकता है, क्योंकि यूनिवर्सल पूरे सर्वर में आपको डेटा मिल जाएगा। अब वही लीजेंजर जो है, अब ये जो सिस्टम है पूरे सर्वर्स में एक ही तरह का डेटा फिट करने की और एक ही तरह का डेटा जमा करने की, उसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन्स। ब्लॉक्स मतलब क्या? डेटा का बॉक्स, एक बॉक्स जिसमें कि डेटा हो रखा हुआ, और वो भरने बाद और एक बॉक्स उसे ज्वाइंट हो, और एक बॉक्स ऐसा ज्वाइंट हो, ऐसी जो चेन बनती है उसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा ट्रेन का डब्बा अगर एक भरा हो तो उसे और दूसरा जोड़ा जाता है, वो भरा जाता है, तीसरा भरा जाता है, उसी तरह से ब्लॉकचेन काम करती है। और ये जो आप कहते होंगे कि लेजेंड, ये कौन, ये जो लेजेंड है वो कौन मेंटेन रखता है? तो उसे मेंटेन रखने का काम किया जाता है माइनर्स के द्वारा। माइनर्स के जो सर्वर्स है वो उसे अपडेट करते हैं कि भाई जयेश के पास इतने डिजिटल करेंसी थी, इसने इतनी डिजिटल करेंसी दी, फिर उसके बाद उतनी हुई, मेरे पास अब इतनी रही। ये सब डाटा जो लीजेंड्स में लिखा जाता है वो माइनर्स के सर्वर थ्रू लिखा जाता है। अब माइनर्स और माइनिंग में फ़र्क क्या है? जो माइनिंग करते हैं वही आगे जाके माइनर्स बनते हैं, जबकि मेन नेट किसी भी क्रिप्टो करेंसी का लॉन्च हो जाता है। अगर हम यहाँ बात करिए कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी, उसे माइनिंग करने के लिए पहले के ज़माने में क्या होता था कि बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी लगती थी, इकोसिस्टम फ्रेंडली नहीं था, बहुत सारा पॉल्यूशन उससे होता था। जैसे कि हम आजकल बात करते हैं कि बिटकॉइन की वजह से कितना सारा
इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो रहा है। तो अभी के हालात में वैसा नहीं है, अभी कुछ कुछ क्रिप्टो करेंसी आपके मोबाइल पे भी माइन हो जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा कभी पाई नेटवर्क के बारे में, अल्फा नेटवर्क के बारे में, या फिर फोनियम के बारे में, या फिर टाइम स्टॉप के बारे में। तो आजकल माइनिंग के जो सेशंस है वो मोबाइल पे भी आ गए, जो कि बहुत ही इको फ्रेंडली है और कम इलेक्ट्रिसिटी में वो, या फिर ऐसा कहें आपके मोबाइल के बैटरी में वो यूज़ होते। जो दो उन्हें माइन करता है उन्हें हम माइनर्स कहते हैं। बदले में अब माइनर्स को क्या मिलते हैं, अगर आप किसी खदान में काम करते हो, माइनिंग मतलब क्या, खोदना। आप किसी खदान में काम करते हो, वहाँ आप कोई सोने की खदान हो या कोयले की खदान हो, आप वहाँ से कुछ सोना कोयला गवर्नमेंट को निकाल के देती हो, तो गवर्नमेंट उसके बदले में आपको पेमेंट देती है। पर यहाँ पे ये जो क्रिप्टो माइनिंग होती है, इसमें आपको पैसे नहीं मिलते बल्कि उनकी कॉइन्स आपको रिवॉर्ड्स में दिए जाते। तो ये रही बात माइनर्सिक। अब हम बात करेंगे कि ये पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है। हमने सबसे पहले ब्लॉकचेन देख लिया, उसके बाद हमने माइनर्स देखा, फिर माइनिंग क्या होती वो देखिए। अब चौथी जो बात करेंगे वो है पीयर टू पीयर नेटवर्क की। अब पीयर टू पीयर नेटवर्क मतलब पर्सन टू पर्सन नेटवर्क। अगर अभी समझो आप आपके करेंसी का कोई भी तरह का ये करते होगे, ट्रांजेक्शन करते होगे, तो सबसे पहले क्या होता है कि पैसा आपके बैंक में होता है, फिर आप वो पैसा अपने मोबाइल थ्रू कोई ऐप लिंक कराते हैं, वो बैंक से आपके मोबाइल पार्टनर ऐप के पास आता है, फिर सामने वाले के पार्टनर ऐप के पास जाता है जिसे आप सेंड किया है, फिर वहाँ से उसके वो बैंक में जाता है। पर इसमें क्रिप्टो करेंसी में वैसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे सीधा पीयर टू पीयर यानी पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र किया जाता है पैसा। तो यही चीज़ इसे एक डिसेंट्रलाइज बनाती है। डिसेंट्रलाइज मतलब क्या, इस पर कोई गवर्नमेंट का रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं और कुछ भी नहीं। जैसे कि अगर समझो हमें सोचते होगे कि हमारा खुद का पैसा है, बैंक को क्यों पता चले, गवर्नमेंट को क्यों पता चले कि मेरे पास कितना पैसा है, पैसा तो मेरा है ना। तो इसीलिए ये क्रिप्टो करेंसी इन्वॉल्व हुई कि लोगों का पैसा लोगों के द्वारा ही खर्च किया जाए, उसमें कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी या फिर किसी भी कंट्री का इंटरफेरेंस उस करेंसी पे फ़र्क ना पड़े। जैसे हम देखते हैं कभी कि डॉलर का भाव ऊपर चले गया है या फिर रुपए का भाव नीचे चले गया है, तो ये क्रिप्टो करेंसी में नहीं देखा जाता क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी। और अगर आप कहते होगे कि हाँ तो इसमें तो फिर भी बहुत रिस्क है, कभी ऊपर चले जाता है कभी नीचे चले जाता है, ऐसा क्यों होता है। देखिए अगर हम बात की जाए क्रिप्टो करेंसी, ये लिमिटेड्स होते हैं, ये जो कॉइन्स होते हैं लिमिटेड होते हैं। जैसे हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में भी 21 मिलियंस बिटकॉइन है, और जो अमाउंट या फिर कॉइन फिक्स होते हैं उसके बारे में उसका जो ट्रेडिंग पोर्शन होता है वो ऐसा होता है कि जब उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, ज़्यादा लोग उसे बाय करते हैं, तो उस वक्त वो हाई हो जाती है, और जब उसकी डिमांड लो होती है, जब ज़्यादा लोग सेलर्स होते हैं तब उसकी डिमांड लो हो जाती है। इसी वजह से उसके जो ग्राफ है या फिर उसके अमाउंट का है वेरीफाई उसकी ग्राफ है वो वेरियसली अलग अलग होती है। अब आपने बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज का नाम सुना होगा, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, डॉगी कॉइन, या फिर अभी आड़ा कॉइन। तो ये सब करेंसी जो है, अब इन्हें फुल्ली सिक्योर करने का काम जो है वो कौन करता है, तो उसे हम करते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में आप देख सकते हो कि ये जो अलग अलग कॉइन्स हैं इनकी अलग अलग कोडिंग की जाती है, उस कोडिंग को हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। ये सब बातें अब मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बता दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, मेरा हौसला बढ़ाना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ आगे के टॉपिक के लिए कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।